हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते कोरोना के टेंशन के बीच में फिर पुराना साल गया और नया साल हमारे सामने खड़ा है। 21वीं सदी के अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 21 साल पूरा चंद लम्हों में पूरा हो जाएगा। मानव रूपी वृक्ष से उम्र रूपी एक अनमोल मोती फिर से छड़ गया। इस तरह साल दर साल जैसे ही हमने कैलेंडर बदले, वैसे ही उम्र का बेशकीमती मोती झड़ा। वैसे तो दुनिया में सौर मंडल और पृथ्वी की गति का पल पल का हिसाब किताब घटित और आने वाले व्रत तीज त्योहार का लेखा जोखा होता है, जिसमें सबसे प्राचीन विक्रम संवत्सर, पंचांग, हिजरी, सन, अंग्रेजी कैलेंडर है। सभी का अपना अपना नया साल होता है। सभी की उम्र का एक मोती अंग्रेजी साल से भी कम होता है। अब कोई भी अपनी उम्र का लेखा जोखा अपने धार्मिक कैलेंडर से नहीं करता। वह किसी धर्म को मानने वाले लोग हों, भारतीय पंचांग दुनिया में सबसे विश्वसनीय और प्राचीन है। कैलेंडर की उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है। तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। कुछ चेहरे घटे, चंद यादें जुड़ गए वक्त में। उम्र का पंछी नित दूर और दूर निकल रहा है। गुनगुनी धूप और ठिठुरी रातें जाड़ों की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। जायका लिया ही नहीं और फिसल गई जिंदगी। वक्त है कि सब कुछ समेटे, बादल बन उड़ रहा है, फिर एक दिसंबर उतर रहा है। बूढ़ा दिसंबर जमा जनवरी के कदमों में गिर रहा है, जो 21वीं सदी को 22वां नया साल लग रहा है। 1 जनवरी को नया साल आज से लगभग 4000 साल वर्ष पहले बेबीलोन नामक स्थान पर मनाया गया था। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई है। हिंदू धर्म में नववर्ष का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, किंतु आजकल लिखने पढ़ने के लिए अंग्रेजी नववर्ष को ही महत्ता दी जाती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।